आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेबल है, तुम्हारी नई क्लासमेट। हेलो सभी को। मेबल परफेक्ट है, वो बहुत अच्छी है और सिंपल है। पर आज सिर्फ यही सरप्राइज नहीं है, हमारी क्लास में एक और नई लड़की है, मेबल की बहन जेसिका। वो बहुत अमीर है। ओप्स, अमीर होना पॉपुलर होने की गारंटी नहीं है। चलो भी। ओप्स, ये शर्मनाक था। स्वागत है जेसिका, अपनी सीट पर बैठो। तुम ठीक हो बहन? दिन अच्छा नहीं जा रहा है। तुम भी यहाँ हो? जेसिका बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। और अब बारी है जेसिका की। ये बहुत अच्छा मौका है, अब जेसिका दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है। उसके पास गोल्ड पर रिपोर्ट है, सबसे जरूरी एलिमेंट। ये प्रोजेक्शन है, ये स्कूल में आज तक नहीं हुआ। चाहे जो हो, एक प्रॉब्लम है। सभी क्लास में सोने ही वाले हैं, पर जेसिका रुकने वाली नहीं है। यहाँ का बॉस कौन है उसे बताने का समय आ गया है, और उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। ये बहुत शर्मनाक है, हमें इसे ठीक करना होगा। इसे बंद करो और तुम हंसना बंद करो। उनको आज तक केमिस्ट्री में कभी इतना मजा नहीं आया होगा। तुम्हारी बारी है मेबल। हाँ, ये काफी मजेदार होने वाला है। चलो मेबल, तुम कर सकती हो। और मेबल ने कुछ स्पेशल तैयार किया है, एक असली परफॉर्मेंस, एक टिकटॉक स्टाइल टी पार्टी। हमें सिर्फ टी बैग और पानी की जरूरत है। और अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बहुत अच्छे मेबल, पोशन की कुछ बूंदे और ये तैयार है। और ये टीचर को सबसे पहले ट्राई करने को मिला। ये जादुई है। मेबल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पर वो बेस्ट चीयर लीडर है। ही बहन, हम दोनों सेम टीम में हैं। ओह हाँ, मुझे खुशी हुई। सभी लोग उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? ये ठीक है, पॉम पॉम्स, मेबल भी उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पास एक आइडिया है, प्रैंक करने के लिए अच्छा वक्त है। तो मेबल, तुम्हारे पास नई यूनिफॉर्म है, चलो इसे ठीक करते हैं। और मेबल के पास अब खुद के पॉम पॉम्स है, पर इसके शेप में कोई गड़बड़ है। ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, अगर आप येलो स्पॉट्स के ऊपर मार्कर का इस्तेमाल करें तो आपको फनी स्माइली फेसेस मिलेंगे। और जेसिका प्रैक्टिस कर रही है। हाय बॉयज, नए स्टैंड की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल जेसिका, तैयार हो, मैं ऊपर जाती हूँ। ये आसान है। जेसिका एक असली स्टार की तरह चमक रही है। ओह नहीं, ये बहुत चमकदार है, मेरी आँखें। मुझे पकड़ो। बिल्कुल नहीं, जेसिका को अकेले रिहर्सल करने दो। माफ करो, मैं बहुत लेट हो गई। तुम बहुत कूल लग रही हो, और सबसे जरूरी बात, तुम हमें अंधा नहीं कर रही हो। जेसिका एक बार फिर से फेल हो गई, पर वो हार नहीं मानने वाली है। हमें मेबल के सबसे बड़े फैन को फंसाना है, और ले के लॉकर में खजाना उसका इंतजार कर रहा है। वाह, गोल्ड बार, पकड़ लिया तुम्हें प्यारे लड़के, बधाई होने। तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो। वेटर, कितना वक्त लगेगा? ये रहा प्यारे कपल के लिए डिनर। जाओ मेबल, हमें परेशान मत करो। डेट प्लान के हिसाब से चल रही है, हालांकि ले थोड़ा नर्वस है, पर एक किस से सब बदल जाएगा। ओ नहीं, कोई मेरी मदद करो, लगता है ले को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर मेबल कोशिश करेगी। जेसिका, थोड़ा आराम करो। ले, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सब्र रखो, ये बस खत्म होने वाला है। तुम मेरी हीरो हो मेबल। इस बढ़िया डेट को किसने खराब कर दिया? ये मेबल का काम लगता है, उसे इसके लिए पछताना होगा। देखो, यहाँ खाना बचा हुआ है। ये तो ड्रीम डेट है। अब रहस्य को सुलझाने का समय है। मेबल इतनी पॉपुलर क्यों है? उसके पास पैसे नहीं है, पर उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। ये रही मेबल, वो हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है? ये काफी अजीब है, लगता है मेबल कुछ करने वाली है। इन लोगों पर मुझे शक हो रहा है।
उसके पैसे भी मांग रहे हैं और मेबल उनको अपनी लास्ट सेविंग्स दे रही है। हाँ, ये फैंस को बहुत पसंद आया। ये उसकी कामयाबी का राज है। तुम्हें बस दिल साफ रखना है, फिर तुम पॉपुलर हो जाओगे। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? ये लो, अपने लिए कुछ अच्छा ले लेना। मिशन पूरा हो गया, जेसिका पॉपुलर हो जाएगी। हे लेडी, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे जाने दो, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। उसकी स्मेल बहुत गंदी है, अब वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं। माफ करना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, उन्होंने जेसिका की कोशिशों की तारीफ नहीं की, उसने बस चीजें और बुरी कर दी। तो हम अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो वहाँ पर क्या कर रही है? मेबल बहुत अजीब है। उसने बूढ़ी औरत को स्ट्रीट पार करने में मदद की। कितनी धोखेबाज है। और दूसरे स्टूडेंट्स फिर से खुश हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोड को क्रॉस करना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं आ गई हूँ मैम, मैं आपको स्ट्रीट पार करवा देती हूँ। पर मुझे वहाँ पर नहीं जाना है बच्ची। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो चले। मिशन पूरा हो गया। जेसिका बहुत होशियार है, पर ओल्ड लेडी खुश नहीं है। ओह, जेसिका के साथ बुरा हुआ और अब ओल्ड लेडी को अपने सुपर हीरो का फिर से इंतजार करना होगा। पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, टेस्ट में भी। ठीक है, चलो देखते हैं। मेबल ने थॉमस की टेस्ट में मदद की, उसे बुरे ग्रेड्स लेने से बचा लिया। कितनी अच्छी है। और थॉमस को ए ग्रेड मिला। मेबल, तुम एक असली दोस्त हो। किसी के टेस्ट में मदद करूं आसान है। ले, मुझे अपना टेस्ट दो और बहस मत करो। अब चलो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये टीचर को दे दो दोस्तों। रुको जेसिका, अच्छे ग्रेड्स आने वाले हैं। ले, मिस्टर पीट को ऐसा नहीं लगता है। बस बहुत हुआ। जेसिका, ये तुमने क्या किया? आज का ब्रेक अच्छा नहीं जा रहा है, ये बहुत बोरिंग है। पर मेबल इसे ठीक कर देगी। दोस्तों, मेरे पास एक जरूरी अनाउंसमेंट है। $1 में केस। सबसे पहले कौन आएगा? बिल्कुल नहीं, मेबल बहुत चालाक है और यहाँ उसके फैंस की पूरी लाइन उसका इंतजार कर रही है। पर जेसिका के पास बेहतर आइडिया है। वो किसके लिए खुद को पैसे देगी? कोई कैंडिडेट? कोई भी है, पर लाइन खाली है। मेबल का बिजनेस बहुत चल रहा है। रुको, एक बायर के पास पैसे नहीं है, पर उसे पता है क्या करना है। अब वक्त है जेसिका के पास जाने का। पर कोई किस नहीं, मैं सिर्फ पैसे लूंगा। ठीक है, मार्टिन की अब अच्छी किस्मत है और उसके लिए उसे बहुत सारी केसेस मिली। सपने सच हो गए, उसे मेबल ने किस किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेबल ये ठीक नहीं है। पर मेबल भी फ्री में किस कर सकती है। मेबल बहुत प्यारी है, पर वो उसकी पॉपुलैरिटी के लायक नहीं है। म्यूजिक काम को मजेदार बना देता है। मेबल बहुत टैलेंटेड है। वो बहुत अच्छे। यहाँ पास में टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहा है और कंटेस्टेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर जेसिका जरूर जीतने वाली है। उसका मनी डांस कुछ स्पेशल है। हो, सिर्फ फाइनल में थोड़ी गलती हो गई। मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। तड़ा, ये 5 देने लायक नहीं है जेंटलमैन। पर जूरी बहुत नक चढ़ी है और अब स्टेज पर आने की बारी मेबल की है। और ये देखने लायक है, क्या ग्रेस है, क्या टैलेंट है। ओह, माफ करना, मैं तो बस यहाँ सफाई कर रही थी। मेबल, जरा रुक जाओ, तुम जीत गई। शुक्रिया, इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। और स्टार को बहुत अच्छा प्राइज मिलता है। मेबल फिर से फर्स्ट आ गई। पर जेसिका के पास अभी भी कुछ करने के लिए है। ओ नहीं, वो फिर से। देखो मेरे पास क्या है, ये लेटेस्ट मॉडल है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? जेसिका ने ये फिर से कर दिया। हम बहरे हो चुके हैं, ऐसा नाटक करना बेहतर रहेगा। बाय लड़को, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ओ नहीं, आज इसका दिन बहुत बेकार है। और ये महंगे फोन को इस्तेमाल करने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? पर मेबल के पास नया फोन नहीं है, ये वो ही पुराना तरीका है।
ये पेपर कप्स हर स्मार्टफोन से बेहतर हैं। मेबल, ये क्या है? ये एक फोन है। तुम यहाँ से बात करो और यहाँ से सुनो। वाह, ये काम कर रहा है। कम्युनिकेशन चेक किया जाए। थॉमस, हम तुम्हें सुन सकते हैं। दोस्तों, हम एक शानदार पार्टी करने वाले हैं। मैं अभी आई। एक शानदार पार्टी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेबल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जूस और एक कार्डबोर्ड वीडियो गेम कंसोल ज्यादा नहीं। पर मेबल बहुत प्यारी है। हम उसे उदास नहीं करना चाहते, पर अभी और भी सरप्राइज मिलने बाकी हैं। बर्थडे केक किसे चाहिए? ये अच्छा नहीं दिख रहा। पर मेबल ने बहुत मेहनत की है। इस पार्टी को बचाया नहीं जा सकता। पर जेसिका बस इस बोरियत को खत्म करने वाली है। हेलो, खाना किसे चाहिए? ओह हाँ, पार्टी में बस इसी की कमी थी। चलो शुरू करते हैं और पूरी रात डांस करते हैं। अब जेसिका भी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और सॉन्ग के बिना कैसा बर्थडे? कोई विश मांगो बहन।